Yes. So good evening, all of you. Let us continue the topic we all started last time. That is about the रे ऑप्टिक्स. तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने कल के लेक्चर में प्रिज्म का कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखा था. प्रिज्म के बारे में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी प्रूव किया था और उसके बेसिस पे जो हमको ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये जो इक्वेशन है इधर, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म एंड देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस. इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है तो वो हमको एक्चुअली प्रूव करना है. ठीक है, तो वही डेरिवेशन हम अभी आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. टू प्रूव दैट ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, दैट इज टू बी प्रूव्ड. ओके, और जस्ट वी कैन जस्ट से दैट वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ द प्रिज्म. व्हेन द रे ऑफ लाइट जस्ट गेट्स रिफ्रैक्टेड और जस्ट पासेस थ्रू द प्रिज्म, इट सफर्स फ्रॉम डिफ्रैक्शन डेविएशन. सो इट सफर्स फ्रॉम रिफ्रैक्शन टू टाइम्स एंड कंसिडरिंग ऑल दीज रिफ्रैक्शंस वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, मतलब ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट एंड द फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट. उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमको ढूंढ के निकालना है इस डेरिवेशन के अंदर. सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम इन विच रे ऑफ लाइट विल जस्ट पास थ्रू अ प्रिज्म. सपोज दिस इज द प्रिज्म, यस दिस इज द प्रिज्म, वी कैन नेम इट एज ए बी सी. ओके, सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी ए, हियर इट इज बी एंड दिस इज सी. एंड नाउ अ रे ऑफ लाइट जस्ट इंसिडेंट्स ऑन वन ऑफ इट्स सरफेसेस एट दिस पॉइंट सपोज. तो ये जो रे ऑफ लाइट है तो वो इस तरह से इंसिडेंट हो गया इस सरफेस के ऊपर. इस पॉइंट को हम क्यू बोल देंगे. पी क्यू इज द रे ऑफ लाइट which incidents out at this point Q here on this prism. After this point, the prism will, the ray of light will just bend and will just travel inside the prism along this path and just again incident on this surface at some angle and just gets refracted second time and just pass through in this way. Okay, now we can just call this point as R and this one to be S. Okay, तो देखो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि P Q R S is the path of ray of light inside the prism. Okay, so starting from the point P and up to the point S, the path of ray of light is like this. P से Q, Q से R and R से S. Okay, लेकिन यहाँ पे हमको समझना है कि the ray of light has suffered from refraction two times. ड्यूरिंग दिस पैसेज तो दो बार उसने रिफ्रैक्शन सफर किया है. तो जो रिफ्रैक्शन जहां पे सफर किया है तो वो पॉइंट्स है क्यू और आर. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल्स एट द पॉइंट्स वेयर दिस इट हैज बीन रिफ्रैक्टेड. तो जहां पे वो रिफ्रैक्ट हुआ है तो वहां पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये देखो ये रहा नॉर्मल जो कि इस ए बी को परपेंडिकुलर रहने वाला है. तो ए बी का नॉर्मल ये हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. This is the normal of AB, okay? And at the same time, we can just draw the normal of this AC also, ठीक है? तो AC का normal भी हमको draw करना है. We can just draw this normal and just extend it up to this point here, okay? No doubt. And even AC का भी हमको normal draw करना है. तो AC का normal यहाँ पे हम draw करेंगे. And we can just draw it and meet it here. तो उसको हम यहाँ पे ये बन गया नॉर्मल हियर. बोथ ऑफ दिस नॉर्मल्स आर गोइंग टू मीट इच अदर एट दिस पॉइंट वी कैन नेम इट एज एम.
सपोज, ठीक है, और ये जो है वो तो आर है ही ऑलरेडी, यस। अभी देखो ठीक से कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रिज्म, इस प्रिज्म के एब्सेंस में क्या हो? अच्छा, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन सा है, वो समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए हम देख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई वी कैन से, एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस, वी कैन कॉल इट एज ई, ओके। एंड एट द सेम टाइम व्हेन दिस रे गेट्स रिफ्रैक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, द करिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज आर वन, ओके, इट इज आर वन। एंड एट द सेम टाइम इफ यू जस्ट यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, देन द रे ऑफ लाइट, इफ इट इज रिवर्स्ड एट दिस पॉइंट हियर, इट विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ इन द रिवर्स डायरेक्शन, एंड दिस एंगल विल एक्चुअली बिकम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर टू, ओके, उसको हम आर टू बोल सकते हैं। तो देखो, आर वन एंड आर टू बोथ ऑफ देम आर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेन द लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड, सो आर वन बिकम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट वेन द लाइट इंसिडेंट ऑन दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, दिस आर टू बिकम्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नो डाउट। बट नाउ वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द एंगल ऑफ डेविएशन, विच कैन बी फाउंड आउट इन दिस वे। इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रिज्म, द रे वुड हैव ट्रेवल्ड इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो रे है वो इस डायरेक्शन में कंटिन्यू होता था, ठीक है, तो इस तरह इस डायरेक्शन में वो कंटिन्यूस जाना था, लेकिन अभी इस प्रिज्म की वजह से इस डायरेक्शन में तो वो नहीं जा पाएगा, बल्कि इट विल जस्ट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाइल ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, अगर हमने यहां से देखा तो इट विल अपियर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट हियर। सो इफ यू जस्ट मेक बोथ ऑफ दिस रेज टू मीट इच अदर इन दिस वे हियर, तो ये अगर पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके, सो द रे आर एस विल अपियर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट हियर, वी कैन कॉल इट एज डी, एंड रे पी क्यू जस्ट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन एंड मीट्स दिस रे आर एस एक्सटेंडेड एट पॉइंट डी हियर, ठीक है, तो ये डी पॉइंट है। तो अभी ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में का जो एंगल है, तो इसको हमको बोलना होगा एंगल ऑफ डेविएशन, वी कैन कॉल इट एज डेल्टा, ओके, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, विच वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है ना, दैट इज दिस इज द एंगल विच वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर दैट, सो इन दिस वे। तो चलो ठीक है, अभी ये जो एंगल्स है, तो इस पूरे ट्रायंगल, इस पूरे सिस्टम के अंदर हमको 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे करेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ए क्यू एम आर, व्हाट कैन वी सी इन दिस क्वाड्रिलेटरल, इन द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एम आर, द सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज गोइंग टू बी 360, करेक्ट है। तो ये चारों एंगल्स का सम कितना रहने वाला है, 360 रहने वाला है। तो वी कैन जस्ट से दैट द एंगल ए प्लस ये एंगल, प्लस ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, करेक्ट है, 90 डिग्री, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री डायरेक्ट। प्लस हियर दिस एम इज द ओनली एंगल हियर, we can say, and plus here this ARM is also going to be 90 degree, and the sum of all these four angles is actually going to be 360 degree. So if we just work this out, so we can get this A plus M, and 90 plus 90 becomes 180, and transferred to that side, so as to become it as 360 minus 180, so that we can get this A plus M becomes equal to 180. Okay, we can just give this as equation number one. Okay, now once we get this relationship between A and M from this here, we can just get another relationship between M, R1 and R2 from this triangle. If you just focus on the triangle MQR, see here in the triangle MQR, the sum of all the three angles of a triangle is always equal to 180 degree. So we can just say that is M plus R1 plus R2 is going to be 180 degree. So here it is going to be M plus R1 plus R2 is equal to 180 degree. And this is our equation number two. Okay. And also, if just we can see this one and two, can the RHS to equal hai, right? 180, 180, right? So if we just equate both of these,
Yes, if we just equate this 180 from both of these equations, then we can just get that from 1 and 2 here, it will be a plus m, right, which is equal to 180. And this is going to be equal to this m plus r1 plus r2, so that m can get cancelled from both sides, right? And what we are left with is simply a is equal to r1 plus r2, correct? So from this we have that a is equal to r1 plus r2, which is our important equation, which can be written as equation number 3. Okay, and now we have to use this also in the next derivation, and this is also the important equation itself. Okay, now we can just see, try to find out this delta. So what is the delta here? Is delta is going to be the exterior angle of this triangle DQR. Do you agree with this? ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल एंगल जो है, ये अगर डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस तरह से, तो देखो ठीक से, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट क्यू है और ये वाला पॉइंट आर है, राइट? तो ये डेल्टा जो एंगल है, ये एक्चुअली एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का, डी क्यू आर ट्रायंगल का. ओके, तो वी कैन जस्ट से डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल डी क्यू आर. एंड हेंस यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, व्हाट डज दिस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम टेल्स अस? Exterior angle theorem tells us that simply this exterior angle of any triangle is always equal to the sum of these two remote interior angles. So we can say that this delta is equal to this angle plus this angle, correct? So we can just say that this delta here is actually going to be the sum of this angle here and this one, you can see. So we can name them as DQR. So it will be angle of DQR plus the angle DRQ, correct? So this is DRQ, no doubt. And now we can just have this here, that this angle DQR is actually going to be I minus R1. See why? Because this whole thing is I, ये जो पूरा I है तो वो इसके बराबर रहने वाला है, बराबर, ये पूरा जो है वो भी I रहने वाला है. तो अगर ये I है तो ये बचा हुआ कौन होगा, क्योंकि उसमें इस आई में से अगर हमने आर वन अगर हटा दिया तो बचता कौन है, तो उसको बोल सकते हैं आई माइनस आर वन. तो इसलिए ये जो एंगल है तो ये बन जाता है आई माइनस आर वन. एंड इन द सेम वे इफ दिस इज ई देन दिस होल थिंग विल आल्सो बी ई, करेक्ट है? ये जो है वो क्रॉस फॉर्म कर रहा है, तो दीज आर टू आर द वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो इस एंगल में से अगर हमने आर टू हटा दिया तो ये एंगल बचता है, तो इसको हम बोल सकते हैं E माइनस R2, एंड दैट्स व्हाई दिस DRQ इज नथिंग बट E माइनस R2. ओके, सो इफ वी जस्ट पुट इट हियर इन दिस इक्वेशन, देन वी कैन गेट दिस एज डेल्टा इज इक्वल टू इस फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, I माइनस R1, ओके, एंड प्लस इन द सेकंड ब्रैकेट वी कैन हैव दिस E माइनस R2. एंड नाउ इफ वी जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, वैसे भी ओपन करने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस साइन से कोई चेंज होने वाले नहीं है, तो इसलिए डेल्टा कैन बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू. वी कैन जस्ट शफल दिस टर्म्स एंड जस्ट राइट इट एज डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई इन कंबाइंड टुगेदर, एंड दिस माइनस आर वन माइनस आर टू कैन बी रिटन लेटर. सो दिस माइनस आर वन माइनस आर टू. नाउ वी कैन जस्ट see here, I plus E is kept as it is, and minus sign can be taken common from these two brackets here. So this is I plus E and minus sign common, and we are left with R1 plus R2 left inside. And now we can just use this equation 3 here. Okay, so from 3, what we can get is R1 plus R2 happens to be A, right? And since this R1 plus R2 is going to be A, we can just replace it by that here, so that we can get this delta is equal to I plus E minus A. And if we just take this A in this side, then we can be able to get that A plus delta is equal to I plus E, which is nothing but the result which we want to prove here. यही हमको prove करना था,
जो हमने कर दिया, देखो ठीक से, सो ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, दिस हैज बीन प्रूव्ड हियर. सो दिस इज द डेरिवेशन विच मे बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 3 marks, रिमेंबर. एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन जस्ट गेट द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा, डेल्टा दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म. तो ये पूरा चाहिए तो लिख के लो या तो फिर स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट, सो दैट वी कैन जस्ट मूव फर्दर. Yes. Finish with this. Any doubt about this? See here, we have completed this expression derivation in 3 steps. In the first step, we have used this quadrilateral A Q M R, right? In which the sum of all the angles happens to be 360 degrees. So we have got that A plus 90 plus M plus 90 is equal to 360, which gives A plus M is equal to 180, which is equation number 1. In the second step, we are focused on this triangle QMR, see here, or MQR, we can say. The sum of all the angles of the triangle is 180 degree. So this M plus R1 plus R2 becomes equal to 180 degree. So this is equation number 2 here. So is first and second equation, when equated RHS, we get this A plus M is equal to M plus R1 plus R2. So that MM gets cancelled and we are left with A is equal to R1 plus R2, okay, which is one of the important check mark here, okay. Or in, and then in the final step, in the third step, we are focused on this triangle DQR, in which delta happens to be the extended angle of this triangle. And using this extended angle theorem, we can say that this extended angle delta is going to be the sum of 2 remote interior angles of this triangle. That means delta is going to be equal to sum of angle DQR and DRQ, right? But DQR happens to be I minus R1 from the 10th standard geometry, and DRQ happens to be E minus R2, and hence we can say that this delta is equal to I minus R1 plus E minus R2, from which we can just combine E and I and E combined together, and minus R1 minus R2 can be combined together, so that the minus sign can be taken common from these two, so that we get this R1 plus R2 here in that bracket. And this R1 plus R2 can be replaced by A, because we have proved it in equation number 3 here. And if we just do that, we can get this delta is equal to I plus E minus A, which is nothing but the expression for angle of deviation. And if we just take this minus A in that side, we can get this A plus delta is equal to I plus E, which is one of the most important relationship or equation in case of the prism. Remember, to prism ke bare mein ye bahut important formula hai. ये चारों जो क्वांटिटीज है ए डेल्टा आई एंड ई, ये चारों इस इक्वेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं. और अलोंग विद दैट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके, जस्ट कीप बोथ ऑफ दिस इक्वेशंस इन माइंड, बिकॉज वी विल रिक्वायर दिस 2 इक्वेशंस टू यूज इन द नेक्स्ट डेरिवेशन हियर. ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला. ओके, प्रिज्म फॉर्मूला एग्जाम में तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव द प्रिज्म फॉर्मूला. सो इन ऑर्डर टू डिराइव द प्रिज्म फॉर्मूला, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर अ प्रिज्म. सपोज ये प्रिज्म है और इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है एक पर्टिकुलर एंगल पे, जो यहां से रिफ्रैक्ट होके वापिस रिफ्रैक्ट होके इस तरफ इमर्ज होता है. और यहाँ पे हम नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं दोनों तरफ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बनता है, ये R1 और ये R2 कहलाता है. और ये ओरिजिनल डायरेक्शन और
फाइनल डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। चलो ठीक है, तो ये एक टेंटेटिव डायग्राम हमारे दिमाग में होना चाहिए जरूर। अभी लास्ट लास्ट में हमने जैसे डायग्राम वो बनाया था, तो उतना बड़ा डायग्राम हमको जरूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम हियर। ओके, नाउ व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट इज वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई एंड सी इट्स इफेक्ट ऑन डेल्टा। ओके, इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड जस्ट सी इट्स इफेक्ट ऑन डेल्टा, वी कैन जस्ट टेक द आई वैल्यू ऑफ आई टू बी 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन अप टू 90 एंड देन वी कैन जस्ट प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द डेल्टा एंड आई। सपोज डेल्टा इज टेकन ऑन द एक्सैक्ट वाई एक्सिस एंड आई इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज आई एंड सपोज दिस इज डेल्टा। हियर वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ एंड इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द ग्राफ, जब हम प्रैक्टिकली ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पता चलता है कि दिस ग्राफ हैपेंस टू बी लाइक दिस, इन विच फॉर द इनिशियल वैल्यूज ऑफ आई, ये जैसे यहाँ पे आई के जो वैल्यूज इनिशियल कुछ वैल्यूज जो होते हैं ना, तो उनके लिए डेल्टा का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होता है। ये देखो इस तरह से, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ आई गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड बिकम्स अ मिनिमम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन अगेन गोज ऑन इंक्रीजिंग After some time in this way. तो ये जो पूरा ग्राफ है वो इस तरह से हमको दिखता है, which will be showing clearly that as the value of I goes on increasing, the delta goes on decreasing, becomes its minimum and then again goes on increasing further. And the value at which this delta becomes minimum is called as the delta m, which can be denoted by delta m, which is called as the angle of minimum deviation. Remember, angle of minimum deviation it is called. So when this angle of deviation becomes minimum, at that point only the value of I becomes equal to E, just because of the principle of reversibility we can say. Kyunki dekho yahan isse left side mein kya hota hai, I is smaller but E is greater. To jab hum yahan pe I bahut chota rakhte hain to E bada banta hai because it has to compensate. Yaad hai na relationship kya hota hai unke beech mein, A plus delta is equal to I plus E. तो जैसे आई बढ़ाते जाएंगे तो ई कम होगा और जब आई कम होता जाएगा तो ई बढ़ेगा, नो डाउट। सो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आई इंक्रीज होता जाता है तो फॉर द फर्स्ट हाफ वी कैन सी द आई इज लेस बट ई इज मोर, बट आफ्टर दिस पॉइंट व्हाट हैपेंस इज आई इज मोर बट इन फैक्ट ई इज लेस एंड दैट्स व्हाई एट द मिडल पॉइंट, एट द पॉइंट वेयर द डेल्टा बिकम्स मिनिमम, इट हैपेंस दैट आई एंड ई बिकम इक्वल बिकम इक्वल। तो ये एक ही पॉइंट होता है ऐसा जहां पे आई और ई दोनों इक्वल बनते हैं, नो डाउट। और इससे भी आगे जाके हम ये भी समझ सकते हैं आराम से कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा देर आर टू वैल्यूज ऑफ आई पॉसिबल फॉर दैट। सो बेसिकली ये जो सपोज ये आई जो है ये इस आई के साथ जो डेल्टा करेस्पॉन्डिंग है तो इस आई के लिए भी वही डेल्टा करेस्पॉन्डिंग होता है। देखो ठीक से, द सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा can be obtained for the two different values of I, remember. So these are the two different values of I, we can say I1 and I2, okay. So this I1 and I2 are such that when this I1 is the angle of incidence here, at that time angle of emergence will be this I2. Agar humne yahan pe I1 aur yahan pe angle of emergence agar yahan pe humne E1 le liya aur yahan pe agar angle of emergence E2 le liya, to what we can say precisely here is that this I1 happens to be same as E2 and I2 happens to be same as E1. That means इधर का जो angle of incidence है वो यहाँ पे जाके angle of emergence बन जाता है और इधर का जो angle of incidence होता है वो इधर जाके angle of emergence बन जाता है। तो मतलब angle of emergence and angle of incidence just interchange their roles when delta is obtained to be the same. तो जब सेम वैल्यूज डेल्टा के हमको मिलते हैं तो फर्स्ट वैल्यू जो हमको डेल्टा का मिलता है वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस होते हैं वही यहाँ पे उल्टे हो जाते हैं। जब सेकेंड टाइम हमको वही वैल्यू डेल्टा का मिलता है तो वहां पे आई और ई के वैल्यूज इंटरचेंज हो जाते हैं, बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। ये हमको समझना है। इवन वी कैन जस्ट सी दिस फ्रॉम दिस सेकेंड पेयर ऑल्सो। सो हियर इफ यू जस्ट चूज दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा,
So for this value of delta, this value of delta appears two times, one at this point here and the second time at this point here, correct? So we can just call this angle of incidence here to be I2, and angle of emergence here will be E2, no doubt. But these two values of angle of incidence and angle of emergence will just get interchanged here. If we say this is I3 and E3, so we can say that this will be I4 and this will be E4. So we can just say that I3 is same as E4 and I4 is same as E3. Remember, so this happens for every value of delta. Okay, delta ko koi bhi value choose karo to uske corresponding mein jo do angle of incidences hote hai wo aise hote hai ki jo ye jab yahan pe angle of incidence hoga to ye wala angle of emergence yahan pe hoga. Okay, aur jab angle of incidence ye banega to us samay ye wala angle of emergence banega udhar. Theek hai, to angle of incidence and angle of emergence just interchange their roles for the two values of incidence where we get the same value of delta. ठीक है, तो जहां पे हमको डेल्टा का वैल्यू सेम मिलता है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के जो दो वैल्यूज होते हैं वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ इमरजेंसी होता है हमेशा, याद रखो ठीक से. तो ये ग्राफ जो सिमेट्रिक है तो उसकी वजह से हमको ये सब मिल रहा है. और ये बात हमको नोट करनी जैसी यहाँ पे कि व्हेन द डेल्टा बिकम्स मिनिमम आई बिकम्स इक्वल टू ई. ओके, एंड व्हेन आई बिकम्स इक्वल टू ई आर वन विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू आर टू. रिमेंबर आर वन और आर टू भी इक्वल बनेंगे उस केस में. और इसलिए हम देख सकते हैं यहां पे कि एट मिनिमम डेविएशन सिचुएशन जो होता है क्या होता है, तीन बातें होती है. सबसे पहली बात कि डेल्टा बिकम्स इक्वल टू डेल्टा एम. द सेकेंड थिंग इट हैपेंस इज दैट आई बिकम्स इक्वल टू ई, एंड द थर्ड थिंग इट हैपेंस इज दैट आर वन बिकम्स इक्वल टू आर टू. राइट, सो हियर इट विल बी आर वन इज इक्वल टू आर टू. So, अगर ये R1 और R2 सेम ही बन गए तो उनको फिर R1 R2 बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो उसको हम सिंपली R बोल सकेंगे, नो डाउट. सो दिस इज द R व्हिच कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू R1 एज वेल एज R2, नो डाउट. एंड नाउ इन एट दिस मिनिमम डेविएशन व्हाट हैपेंस इज इफ यू जस्ट कंपेयर द टू इक्वेशंस व्हिच यू हैव जस्ट डिराइव्ड. अभी जो इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे A plus delta is equal to I plus E and A is equal to R1 plus R2. तो ये जो दो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखे डिराइव किए थे तो एट मिनिमम डेविएशन व्हाट कैन वी से A plus delta के बदले क्या आएगा, delta M बन जाएगा. राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे आई तो सेम एज इट इज है, प्लस ई के बदले हम क्या डाल सकते हैं, आई डाल सकते हैं वापस. राइट, जिसके वजह कारण यहाँ पे ए प्लस डेल्टा एम कैन बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू टू आई, एंड हेंस वी कैन जस्ट से दिस आई विल बी एक्चुअली इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू. ओके, ये सबसे पहला इक्वेशन हमको मिल गया आई का. ओके, एंड एट द सेम टाइम we can just see a is equal to r1 plus r2 bhi to hai hamare paas, right? So what happens at minimum deviation is r1 becomes equal to r2. So we can say a becomes actually equal to r1 plus r2, but r1 and r2 to same hi hai, to isko humne r bol ke rakh diya, to isliye wo ban jayega r plus r, matlab a becomes equal to 2r, and hence r can be written to be equal to a by 2. This is the second thing which happens at the minimum deviation. रिमेंबर, तो मिनिमम डेविएशन पे देखो क्या हो गया, आई का वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू मिल गया और आर का जो वैल्यू है वो ए बाई टू के बराबर मिल गया. अभी इन दोनों को यूज करके हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द प्रिज्म विल एक्चुअली बी इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर टू द upon the sine of angle of refraction r1. Lekin after all we know that r1 and r2 is same, so we can call it as r only. So we can simply say that this n is equal to sin I upon sin r. So here we can see that this sin I upon sin r will be there,
and then we can just be able to put these values of I and R from this here, so that we can get this sine of bracket mein kya aayega dekho a plus delta m upon 2 that is to be divided by sine of a by 2. Okay, this is actually called as the prism formula, remember. So it is the expression for the refractive index of the material of the prism in terms of angle of prism and the angle of minimum deviation, right? And this is the actually prism formula which we have derived already. Okay, and now if we just see for the thin prism, acha agar aapko lena hai to iska screenshot le lo fatafat so that we can discuss the next topic. Okay, now let us see what happens for the thin prism. ठीक है, thin prism के लिए क्या होता है, देखो ठीक से. इसके ऊपर भी एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तीन मार्क के लिए कि derive an expression for the angle of deviation through thin prism. तो thin prism में से पास होने वाले ray of light के लिए angle of deviation कितना होता है, उसके लिए expression हमको बनाना है. तो देखो तीन प्रिज्म के लिए यस वी ऑलरेडी सीन दैट for any prism in general the refractive index is given by sine of a plus delta m by 2 and upon sine of a by 2, no doubt. But for the thin prism what happens is the angle of a is going to be very very small, which is small than 10 degree, correct hai? To ye jo a hai wo 10 degree se chota hota hai, usko hi hum thin prism bolte hain. Otherwise if a is greater than 10 it will be no longer called as a thin prism, but we can call the thin prism only when its angle of refracting angle is less than 10 degree. Okay, so when this angle of refracting angle of the prism is less than 10 degree, what happens is in general there is a result that when ek result yaad rakho theek se, when theta is less than 10 degree and it is in radian, okay, then in that case the sine of angle theta is approximately equal to the angle theta itself. Okay, ये बात हमको use करनी है कि sine of the angle is equal to the angle itself when the angle is very very small, and how small it should be less than 10 degree. In that case we can just use this equation sine theta equal to theta. So it is possible only for thin prism that a is less than 10 degree, and in that case here this a plus delta m upon 2 is also less than 10 degree, or and a by 2, these angles are very small. Okay, these two angles are going to be very very small, and when the angle is very small we can just use that their sine is same as the angle itself. So hence we can just say that since this a plus delta m upon 2 is very small, what we can say is sine of a plus delta m upon 2 is approximately equal to a plus delta m upon 2 only, and at the same time the sine of the second angle, that is sine of a by 2 here, is also approximately equal to simply a by 2 here, correct hai? And since this happens here, then the refractive index, if you just use this equation 1 here, so both of these values are to be put in equation number 1, so that we get this refractive index n to be simply equal to, abhi dekho yahan pe sine of a plus delta m upon 2 hai, but that we already proved to be equal to a plus delta m upon 2, so we can just replace it by that and get this as a plus delta m upon 2. Okay, and that is to be divided by this sine of a by 2 here, which has been put to be equal to a by 2 only, so here it will be a by 2 simply. And then we can just be able to cancel out this 2 from both numerator as well as denominator, and what we are left with is simply n is equal to a plus delta m upon a simply,
So even if we can separate this a from both of these terms in the numerator, then we can just get it as a upon a plus delta m upon a. Correct? Okay? So that once again this a can be cancelled here, so that we can get n simply equal to 1 plus delta m upon a. So that with this 1 can be transferred to that side, so that we get this n minus 1 is equal to delta m upon a. So that this a can be transferred to the inside, and we get this a into n minus 1 going to be equal to delta m. That means delta m is going to be equal to a into n minus 1. But for the thin prism, delta is so small, delta is also small, so that there is no difference between delta m and delta. Okay, क्योंकि वहां पे जो वेरिएशन है, जो ग्राफ जो बनता है वो इस प्रकार बनता है, करंट सॉरी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह का बनता है. अब इसमें देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा? देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. सो यू कैन सी ये जो है ये उसका मिनिमम वैल्यू है डेल्टा का, और ये नॉर्मल वैल्यू है. इन दोनों के बीच में गैप ही कितना है, ना के बराबर है. सो वी कैन जस्ट निग्लेक्ट इट एंड जस्ट से दैट दिस डेल्टा विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फॉर अ थिन प्रिज्म, एंड हेंस वी कैन जस्ट से दैट दिस डेल्टा एम एंड डेल्टा आर गोइंग टू बी द सेम. सो वी कैन जस्ट से दैट दिस डेल्टा एम यहां से हटा देंगे और सिंपली हमको मिलेगा एंगल ऑफ डेविएशन टू बी इक्वल टू ए इंटू एन माइनस वन एज अ फाइनल. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर the angle of deviation of ray of light through a thin prism, remember. Okay, so this is about the thin prism, remember. So this is again another derivation for 3 marks, which is only for thin prism. ये जो formula है वो सिर्फ thin prism के लिए ही हमको use करना है, किसी भी दूसरे prism के लिए नहीं. ठीक है, तो जब अभी कैसे पता चलेगा हमको कि thin prism है कि नहीं, तो उसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है ए का जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 10 डिग्री, मे बी 8 डिग्री, मे बी 6 डिग्री, मे बी 4 डिग्री, बट इट शुड बी लेस देन 10 डिग्री, देन एंड देन ओनली वी कैन कॉल इट एज अ थिन प्रिज्म. अदरवाइज अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री या 50 डिग्री एंड वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, नो. ठीक है, वी आर नॉट टू डू दैट. सो बेसिकली दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर थिन प्रिज्म, रिमेंबर. ओके, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, or just write down all these things past. Yes. Okay, so we have done this for the thin prism and the prism formula and the relationship between A, delta, I and E in today's lecture. So in the next lecture, we can just see what is the angular dispersion and dispersive power of a prism. Okay, and uske jo formulae hai, to formulae bhi humko next lecture mein derive karne hai. Theek hai? So let us stop this lecture here. Thank you all of you.